हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। वेलकम इन फिजिक्स क्लास 12, चैप्टर नेम अल्टरनेटिंग करंट। दिस इज लेक्चर नंबर 6। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम टॉपिक लाइक एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफार्मर एंड एसी जनरेटर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सो ये जो एलसी ऑसिलेशन, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर है, ये बेसिकली ये दोनों लास्ट के मशीन हैं। इसे हम लोग, क्योंकि चैप्टर का नाम था अल्टरनेटिंग करंट एंड मशीन, तो यही दोनों मशीन में है। बाकी एलसी ऑसिलेशन तो अल्टरनेटिंग करंट में ही है। तो हम एलसी ऑसिलेशन के बाद इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसी ऑसिलेशन, आप हमारे साथ बने रहिए। और आप लोग अगर लेक्चर नंबर 5 अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से लेक्चर नंबर 5 विजिट करिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन होता क्या है? एक्चुअली अगर कोई कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर है, और वो अपनी चार्ज को डिस्चार्ज करे, यानी कि वो अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करे, और उसके सर्किट में अगर कोई इंडक्टर, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर लगा हो, तो उसकी जो एनर्जी है वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाती है। कैसे ऑक्सीलेट का मीन्स क्या है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, और इंडक्टर चार्ज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जितनी एनर्जी उन दोनों एलिमेंट्स के बीच बनी रहती है, वही एनर्जी एक के बाद दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती है। इसीलिए यहाँ पर नाम दिया गया ऑक्सीलेशन, यानी कि इसे बार बार कोई एडिशनल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर एलसी ऑसिलेशन के बारे में बात करें कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, तो हम एलसी ऑसिलेशन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। दिस टाइप ऑसिलेशन इज नोन एज एलसी ऑसिलेशन। यानी कि कोई कैपेसिटर अगर चार्ज है और वो एक नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर का मीन्स है कि उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है, ऐसे से कनेक्ट है, तो वो कैपेसिटर अपनी एनर्जी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो कौन स्टोर करेगा उसको? इंडक्टर करेगा, क्योंकि उसके साथ सर्किट में इंडक्टर ही लगा है। फिर जब इंडक्टर एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा तो कौन इसको स्टोर करेगा? कैपेसिटर करेगा। तो इस प्रक्रिया में यही एनर्जी बार बार एक के बाद दूसरे में ऑक्सीलेट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसका नाम एलसी ऑक्सीलेशन है। अब समझते हैं कि कैसे ये एनर्जी जो है ऑक्सीलेट हो रहा है। तो चलिए हम इनिशियली मान कर चलते हैं कि कैपेसिटर चार्ज है। तो ये कैपेसिटर चार्ज है, लाइक इसमें देख रहा है फोर पॉजिटिव फोर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है एनर्जी की कैपेसिटी कि ये एनर्जी फुली चार्ज है। अब क्या हुआ, जब ये चार्ज, जैसे ही हम इस सर्किट को कनेक्ट करके एक्टिव करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के कहाँ चले जाएंगे, इंडक्टर के पास चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ कि दो चार्ज अगर इसमें चले गए, तो जब इंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि वो इंडक्टर एक बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। अब यहाँ पर दो गया, तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, क्योंकि इसमें करंट इस तरीके का फूल बन रहा है। तो जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। अभी कॉयल के सेंस पर डिपेंड करता है कि बाइंडिंग का सेंस क्या है, क्योंकि सिर्फ करंट के डायरेक्शन पर ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड सेंस ऑफ द बाइंडिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाया कि ये एक सोलेनाइड है और इस सोलेनाइड पर इस तरीके का बाइंडिंग किया गया है, इस तरीके का ऐसे बाइंडिंग किया गया है। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो यानी कि इस बाइंडिंग में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, तो अब हम इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझा जाए कि अगर हम जो सोलेनाइड है उसी बाइंडिंग को बदल देते हैं, लाइक दैट,
हमने बाइंडिंग के सेंस को बदला है, करंट का डायरेक्शन अब भी वही है, सेंस बदल गया। अब देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उसका डायरेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, दो बात पर डिपेंड करेगा, एक सेंस ऑफ द बाइंडिंग, सेकेंड फ्लो ऑफ द करंट। दोनों के देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन सेम होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यही पर यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने बाइंडिंग को डिटेल में नहीं बनाया है, ये बना दिया समझने के लिए। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड लाइन से बनेंगी फिर। तो इसके बाद अब यहाँ पर अगर दो चार्ज यहाँ आ गया तो इनकी एनर्जी लेवल इक्वल हो गई, दोनों में एनर्जी लेवल इक्वल इक्वल हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो इंडक्टर में चला गया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसीलिए यहाँ पर फोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं, क्योंकि फोर चार्ज की वजह से फोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये समझने के लिए किया गया है बस। तो अब ये इस केस में जो इंडक्टर है ये फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर के पास कोई भी एनर्जी नहीं बची। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, जब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया तो अब इंडक्टर भी अपनी एनर्जी लॉस करना शुरू करेगा, क्योंकि वो फुल चार्ज हो चुका है, वो डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर दो एक ऐसे एलिमेंट है जो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, वो तुरंत जैसे ही सप्लाई हटाई जाएगी फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी उसकी, इसीलिए तो हम बैटरी की जगह पर कैपेसिटर का यूज नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, फिर से अब ये दो जो फील्ड लाइन्स हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट अब फ्लो करना शुरू किया। अब लेकिन करंट का जो सेंस है वो बदल गया, पहले करंट का डायरेक्शन कैपेसिटर टू इंडक्टर इस डायरेक्शन में था, अब इंडक्टर से कैपेसिटर, यही चेंज होगा। अब यहाँ पर ये जब चेंज हुआ तो क्या हो गया कि दो यहाँ से फील्ड लाइंस कम हुई और कैपेसिटर टू पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ के बाद एक समय ऐसा आएगा कि इसकी सारी फील्ड लाइंस खत्म हो जाएंगी और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब कैपेसिटर की जो चार्जिंग का डायरेक्शन है और पहले जो चार्जिंग डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव था, अब नेगेटिव पॉजिटिवली हो गया, यानी कि उसकी पोलारिटी चेंज हो गई। फिर से क्या इसी प्रक्रिया पर ये रुक जाएगा, नहीं, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यानी कि उसमें से करंट फ्लो करेंगे, तो करंट हमेशा पॉजिटिव पैनल से फ्लो करता है, तो ये पॉजिटिव प्लेट से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या होगा, फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पर बताया है कि करंट जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक सेंस ऑफ द बाइंडिंग, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ तो सेंस ऑफ बाइंडिंग चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार जो सोलेनाइड बना दिया गया है अब वो लाइफ टाइम के लिए उसी तरह रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखिए ये सभी करंट का डायरेक्शन, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गया, तो यहाँ पर एनर्जी इक्वल है। फिर एक समय ऐसा आया कि इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, फिर क्या करेगा, ये जो इंडक्टर है अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और फिर किसको चार्ज करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा ऐसे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे पहला केस था, ये वाला फिर केस आ जाएगा। तो इसमें हम ऑक्सीलेशन क्यों बोले हैं, देखिए इसमें करंट एक बार कैपेसिटर टू इंडक्टर जा रहा है, दूसरी बार इंडक्टर टू कैपेसिटर आ रहा है, ये बार बार चेंज हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में होता तो हम इसको ऑक्सीलेशन नहीं बोल पाते, बट ऐसा ही हो रहा है कि एक बार कैपेसिटर से इंडक्टर में करंट जा रहा है, दूसरी बार इंडक्टर से कैपेसिटर में आ रहा है, इसलिए ये ऑक्सीलेशन की प्रक्रिया है, तो इसीलिए हम इसे LC ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अब ये तो रहा इसके थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा इसका मैकेनिकल या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, LC ऑक्सीलेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है। अब इस चीज़ को समझिए कि जैसे ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, दिस इज C एंड L एंड करंट फ्लो इज I, चाहे इस डायरेक्शन में फ्लो करे या इस डायरेक्शन में फ्लो करे। तो एक बात है कि यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा, तो ये होगा DQ/DT, यही करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम बात करें कि EMF कितना होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस
इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो अगर ये ई है तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यही होता है फैराडेज लॉ से, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू है कितनी होगी, तो आई की वैल्यू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन अपोजिट होता है, तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम इसको पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई एम एफ। तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो हम पढ़ेंगे कि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी। ये तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया किसके, कैपेसिटर के क्रॉस। अब क्या करना है, एक पोटेंशियल यहाँ पर है, एक पोटेंशियल यहाँ पर है, अब दोनों को हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई कर देना है। हम लिख देंगे नाउ अप्लाई केवीएल, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, कि एनी क्लोज्ड पाथ द सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वी एल प्लस वी सी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वी एल कितना है, यही वी एल तो निकाल है पोटेंशियल ड्रॉप एक क्रॉस कैप इंडक्टर, तो ये क्या है एल डी क्यू का स्क्वायर, एल डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपान सी दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी सी कितना है क्यू अपान सी है, यही वी सी है। अब क्या करेंगे, एल का अगर पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी वैन विच इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज उस साइड तो जीरो ही है। अब ध्यान देखिएगा कि क्यू स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू वन अपॉन एल सी क्या होता है, तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे कि ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि क्यू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अ एल सी ऑक्सीलेशन इक्वेशन, इसी को एल सी ऑक्सीलेशन इक्वेशन बोलते हैं, यही एल सी ऑक्सीलेशन इक्वेशन है। तो इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा एल सी ऑक्सीलेशन नहीं डिटेल में जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि एल सी ऑक्सीलेशन पहले किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि अगर कोई चार्ज कैपेसिटर है और उसके सर्किट में अगर कोई नॉन रजिस्टिव इंडक्टर लगा हुआ है तो वो अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा और उसकी वजह से वही एनर्जी बार बार उन दोनों के बीच में ऑक्सीलेट होती रहेगी, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एल सी ऑक्सीलेशन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अब हमारे पास जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, जो कि अब मशीन का पार्ट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मशीन किसे कहते हैं। तो मशीन क्या है कि मशीन में बेसिकली हमें केवल दो ही चीज़ पढ़ना है, मशीन में हमें दो ही चीज़ पढ़ना है, पहला ट्रांसफार्मर। तो इसको देखिए, ट्रांसफार्मर तो बहुत बड़ा, ट्रांसफार्मर की बहुत बड़े फील्ड है, एक पूरी बुक है ट्रांसफार्मर पर, बट हमें उतना ही पढ़ना इतना ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच कंसिस्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। सिंपल सा ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन है कि इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच कंसिस्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल पावर भी कह सकते हैं,
कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। अब यहाँ पर एक चीज है, क्या ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, करंट को ट्रांसफर करता है, या किसको ट्रांसफर करता है? तो जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ेगा, उसका अलग भी सिनेरियो है, तो अलग चीज़ समझते हैं। पहले बस ये याद रखिए कि क्या ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफार्मर करता है। अब ट्रांसफार्मर का जो सिंपल सा डायग्राम है वो कैसा है, वो इस तरीके से होता है। दिस इज अ कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज अ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड दिस इज अ प्राइमरी बाइंडिंग लाइक दैट, दिस इज अ प्राइमरी बाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी बाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी बाइंडिंग एंड कोर। हम इनका नाम भी लिख लेते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज कोर। ये तो रहा इसका बेसिक डायग्राम। अब देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, इसको मशीन नहीं बोल सकते, डिवाइस ही बोलेंगे, मशीन हम उसे बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट वन रोटेटिंग पार्ट हो। जैसे हमारा वॉच, वॉच में जो वॉच के हैंड हैं वो रोटेट करते हैं, तो वॉच को हम मशीन बोल सकते हैं बट ट्रांसफार्मर को नहीं बोल सकते। जैसे हम अपनी मोबाइल सेल फोन को मशीन नहीं बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सेल फोन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि रोटेट करता है, सब रेस्ट कंडीशन में अपना वर्क करते हैं। तो मशीन और डिवाइस में यही एक डिफरेंस है कि हम मशीन उसे बोलते हैं जिसमें एटलीस्ट वन रोटेटिंग पार्ट हो, और डिवाइस हुआ है जिसमें एक भी रोटेटिंग पार्ट नहीं हो। तो अब क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो वो हमेशा हर एक उसका पार्ट स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा और अपना वर्क करता रहेगा, इसलिए इसको डिवाइस बोलते हैं। अंदर की मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि एक तरह का एक कोर मटेरियल होता है। कोर किसका होता है, जनरली ये CRGO का होता है, CRGO मेटल का बना हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड रोलेड ग्रेन ओरिएटेड शीट स्टील, ये इसी मेटल का एक कोर बना होता है। इस कोर का दो काम है, पहला वर्क इस कोर का ये है कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द बाइंडिंग। भाई बाइंडिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं, किसी किस सपोर्ट पे ही बाइंडिंग करेंगे, तो ये बाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ कि ये जो इसका मेन सबसे काम है वो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड मैग्नेटिक पाथ, ये एक मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे दोनों बाइंडिंग को एक दूसरे को कनेक्ट करता है। अब इसकी वर्किंग में क्या है कि ये जो बाइंडिंग है, अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर किसी सोलेनाइड के ऊपर बाइंडिंग कर दिया जाए और उस पर अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा, वो सर्किट वो क्वाइल मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेंगी, तो यहाँ से इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लाइक दैट। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो लाइक दैट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन, तो ये फिर इस तरीके से फ्लक्स हो जाए, ये फ्लक्स आगे बढ़ेगा इस कोर के थ्रू और इस पूरे कोर में ये फ्लक्स आगे की तरफ रोटेट करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब ये फ्लक्स, चूँकि एक ऐसी फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, जब ये फ्लक्स आगे बढ़ेगा और सेकेंड बाइंडिंग को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा फराडे लॉ।
फराडेज लॉ। फराडेज लॉ क्या बोले थे कि यदि किसी बाइंडिंग पर अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी फ्लक्स दिया जाए तो बाइंडिंग क्या हो जाती है कि एक्टिव हो जाती है, यानी कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये फ्लक्स इसमें ट्रांसफर होगा इस या इसको क्रॉस करेगा तो ये सर्किट एक्टिव हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अब ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या सेंस है, राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे लेकिन फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम राइट हैंड थंब रूल ऐसे नहीं लगाएंगे, हम इसके अपोजिट लगाएंगे, यानी कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है बिल्कुल देखिए इसी तरह है तो ये सही है तभी करंट फ्लो है। यानी कि जो सेकेंड बाइंडिंग है जो कि डीमैग्नेटाइज कर हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के सपोज की वजह से नहीं हो रहा बल्कि अपोज करने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अगर हम इसमें सोचेंगे कि करंट का डायरेक्शन इस इधर साइड से निकले, इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग निकले तो नहीं होगा, हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पर जो बाइंडिंग थी ऐसे था, तो इस तरीके से जो बाइंडिंग थी तो इसकी वजह से हमें जो फ्लक्स का डायरेक्शन मिल रहा था ये मिल रहा था, तो यहाँ पर फ्लक्स का डायरेक्शन ये है तो हम सोचेंगे इस फ्लक्स के अकॉर्डिंग हम करंट इंड्यूस करा लेते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो नहीं होगा, इसके उल्ट अपोजिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंज लॉ आएंगे। लेंज लॉ यही बोलते हैं क्या कि हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो होगा इसके राइट हैंड थंब रूल के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इस तरीके से जो कि ये है, तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको N1 बोलते हैं, सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको N2 बोलते हैं, प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1, सेकेंडरी में I2, प्राइमरी में जो EMF है उसको E1 और सेकेंडरी में जो EMF है उसको E2, और इन सब में एक रिलेशन होता है कि EMF E1 अपॉन E2 दैट इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 एंड विच इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांसफार्मर का, इसी पे सारा न्यूमेरिकल बनेगा कि जो EMF का रिलेशन होता है वही नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन होता है बट करंट का रिलेशन अपोजिट होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में जिस साइड EMF ज़्यादा होगा इंड्यूस होगा उस साइड करंट की वैल्यू कम रहेगी और जिस साइड करंट की वैल्यू ज़्यादा है उस साइड EMF कम प्रोड्यूस होगा, तो ये हमारा रिलेशन है। अब एक चीज़ और है कि ट्रांसफार्मर में कि इसमें कौन कौन सी लॉसेस होता है, तो ट्रांसफार्मर में बहुत बहुत से तरीके लॉसेस होता है, कोर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, तो ये सभी अलग अलग तरीके के लॉस होता है, और यहाँ पर हीट लॉस भी होता है, हमिंग लॉस भी होता है, तो ये छोटे छोटे लॉसेस हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमने बाइंडिंग किया है, कॉपर वायर की बाइंडिंग की है, तो कॉपर में भी उसमें उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जिसकी वजह से अगर वो रेजिस्टेंस अफोर्ड कर रहा है R, तो यहाँ पर जो लॉसेस हो जाएगा I2R, ये कॉपर लॉसेस में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, R लॉसेस हो रहा है और करंट T टाइम तक फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हीट I2RT लॉस होगा, तो यहाँ पर हीट भी होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक कोर मटेरियल है, इस कोर मटेरियल का भी कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगा, तो उस रिलक्टेंस की वजह से लॉस होगा, यहाँ पर कोर लॉस भी आएगा जिसे हम कोर लॉस भी कहते हैं, तो यहाँ पर कोर लॉस भी आएगा। ट्रांसफार्मर में बहुत तरीके के लॉसेस भी हैं, तो ये कुछ लॉसेस होंगे। फिर ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो टाइप है वो दो टाइप से ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं, जैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं। जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, स्टेप अप यानी कि वो सप्लाई जितनी दी जाती है उससे ज़्यादा हमें आउटपुट देता है, तो इस यानी कि वो उसके सप्लाई की को बढ़ा देता है, तो ऐसे को स्टेप अप बोलेंगे। स्टेप डाउन यानी कि आउटपुट जो है कम होगा। अब ये कम ज़्यादा को थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन में समझें तो यह है कि स्टेप अप में जो N1 है इससे ज़्यादा होगा N2, स्टेप डाउन में N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी कि जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न है अगर उससे ज़्यादा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और अगर N1
ज़्यादा है, N2 कम है तो स्टेप डाउन। हम लोग जो अपने आसपास देखते हैं ट्रांसफार्मर, वो सभी स्टेप डाउन होता है, क्योंकि उस वो क्या करता है कि हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। हमारे पास 11 kVA की अगर सप्लाई है तो उसको 240 इस वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 330 kVA है तो 11 kVA में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सभी स्टेप डाउन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर केवल जनरेटिंग पावर स्टेशन में ही पाया जाता है, जहाँ पर कि जनरेशन के बाद उस सप्लाई को बढ़ा कर भेजा जाता है ताकि बीच में जो लॉसेस है वो मेंटेन हो जाए। तो ये दो तरह के बेसिकली ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है उसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। अब देखिए कि एसी जनरेटर किसे कहते हैं। ओके, दिस इज 2 बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ एंड दिस इज आर्मेचर कॉइल। ब्रश ए बी आर्मेचर कॉइल, पी क्यू आर एस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एसी एक्सिस के क्रॉस रोटेट करेगा, और ये बार मैग्नेट्स हैं जिसे परमानेंट मैग्नेट भी हम बोल सकते हैं। दिस इज परमानेंट मैग्नेटिक विच इज प्रोवाइड द फिक्स मैग या कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा एक एसी जनरेटर का सिंपल सा डायग्राम है। ये जो बार परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, लाइक दैट। सबसे पहली बात तो एसी जनरेटर कहते किसे हैं। तो एसी जनरेटर क्या है, इट इज अ मशीन which convert the mechanical energy into electrical energy। सिंपल है कि ये एक ऐसा मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम लोग सिंपल में अल्टरनेटर बोलते हैं। कि अल्टरनेटर किसे कहते हैं, तो ये अल्टरनेटर ही है। अभी कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है इसका। तो ये काम करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है जनरेटर। और जो ट्रांसफार्मर था वहाँ पर मैं बताना भूल गया था, वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता था, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और एसी जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसे कहते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल
ये है, दिस इज एफ बी एंड आई, ये सब लोग जानते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हेन थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एंड फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन सेंट्रल फिंगर विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट. इंड्यूस्ड करेंट, यही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कि राइट हैंड का तीनों फिंगर, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि पहले तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. उसके बाद अगर थंब को मैकेनिकल फोर्स के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा जाए, तो सेंट्रल फिंगर जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन इंड्यूज करेंट का डायरेक्शन होगा. दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है एसी जनरेटर. अब देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर ये करें कि ये जो आर्मेचर है, दिस इज आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसका सेंस क्या होगा उसको देखते हैं. देखिए ये हमारा पी क्यू आर एस एक आर्मेचर है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया. अब हम यहाँ पर राइट हैंड थंब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे. देखिए अब यहाँ पर ये शाफ्ट जो है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी कि इधर वाला फेस बाहर आ रहा है, इधर वाला फेस अंदर जा रहा है. तो हम लिख लें इसको आउट और इसको लिख लें इन, ये बाहर आ रहा है. अब हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस तरीके से लगाना है कि थंब बाहर की तरफ रहे, ये थंब हमारा बाहर की तरफ हो गया और फोर फिंगर हमारा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हो गया. फिंगर किस, सेंट्रल फिंगर किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, अप, यानी कि P से Q की तरफ जो डायरेक्शन होगा ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा. सिमिलरली इस साइड चेक कर लेते हैं आर एस में, इन साइड में फोर्स और फोर फिंगर साउथ पोल की तरफ, देन सेंट्रल फिंगर विल बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट. तो ये किसके डायरेक्शन को करेगा इंडिकेट, इंड्यूस करंट का, यानी कि इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन हो गया ये. अगर बी आर ए, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, बी आर ए, देखिए इस तरीके से आ रहा है, इसमें आएगा फिर इधर जाएगा फिर इसमें आएगा फिर इसे चला जाएगा, ये. तो ये था हमारा पहले फेस के लिए हुआ. अब क्या होगा कि अगर हम ये बोलें कि ये क्वायल थोड़े देर के लिए टर्न हो जाए, यानी कि हाफ टर्निंग के बाद, आफ्टर हाफ टर्निंग, आफ्टर हाफ टर्निंग, दिस इज आर एस पी क्यू एंड दिस इज रजिस्टर आर ए बी. अब समझना है, अगेन दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ. अगेन अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अब राइट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे फिर से, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो शाफ्ट है ये आउटसाइड में आ रहा था और इस साइड का शाफ्ट इनसाइड में एंटर कर रहा था. तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स. थंब बाहर की तरफ है और हमारा फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. तो हमारा जो सेंट्रल फिंगर है किसको इंडिकेट कर रहा है, इंड्यूस करेंट, यानी कि दिस इज आई, एज सिमिलरली आई, क्योंकि इसमें भी हम अप्लाई करेंगे ऐसे तो इंड्यूस करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएगा. यानी कि यहाँ पर जो करंट डायरेक्शन आ गया आपकी बार क्या आ गया, ये ए आर बी, ए आर बी, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. यानी कि किसी रजिस्टर में अगर हम करंट फ्लो कराए जनरेटर से तो एक बार
पॉजिटिव पल्स हमें मिला और एक बार नेगेटिव पल्स मिला, क्योंकि एक बार हमें मिला था बी आर ए और एक बार मिला है ए आर बी, ये ध्यान समझना है। एक बार करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, एक बार करंट उल्टा, तो एक ही रजिस्टर में अगर करंट का डायरेक्शन दो बार चेंज हो रहा है तो कैसा करंट है एक ही पल्स में, तो कि अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसीलिए इस जनरेटर को एसी जनरेटर बोला जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर ब्रशेस लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोटेशनल करंट को सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उस वायर को बाहर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे और ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो उस पूरे वायर को आपस में ही एक दूसरे को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि वो बार बार उसको घुमाएगा। तो हम यहाँ पर एक ब्रश का सिस्टम लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी करंट को हम इजीली सर्किट में फ्लो करा सकें। इस ब्रश कार्बन की ब्रशेस होती हैं जो कि उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करता रहता है। तो ये हमारा एसी जनरेटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसमें वर्किंग भी हमने बता दिया, प्रिंसिपल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे काम करता है, और एसी जनरेटर का डेफिनेशन है, इसका यूज कहाँ कहाँ है। हर एक जनरेटिंग जहाँ पर एसी सप्लाई जनरेट की जाती है, पावर स्टेशन में, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, चाहे वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, सोलर, किसी तरीके के पावर प्लांट में जहाँ पर कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करने के लिए हमें मशीन चाहिए, वहाँ पर हम एसी जनरेटर का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये तीन टॉपिक थे जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, क्योंकि इनका फील्ड इतना ईजी नहीं है, ये बहुत है, इन पे ऊपर दो दो तीन तीन चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बेसिकली 10+2 में ये इनके छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था केवल, इसके यूज क्या क्या है बता ही दी। तो इस तरीके से आप इसको समझिए, अगर आपको समझ में आया है तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि हमेशा समझ में आ रहा है। फिर हम अगले लेक्चर में पूरे अल्टरनेटिंग करंट का जो न्यूमेरिकल है, बेसिकली एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है, हम उस पर बात करेंगे और एक ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।